नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी, नजर हर खबर पर। कुछ भी बोलेंगे, मैं उस जो भी ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मैं आई विल फिल अप द बोर्ड विद ऑल द ऑब्जेक्ट। और सबसे बड़ी चीज है, आप भी ट्राई करेंगे और बच्चे भी ट्राई करेंगे, इतना क्या होगा, आप खुद को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब बच्चे सक्सेसफुल होंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट बोलिए, आई विल फिल अप द बोर्ड, देन दे विल गो थ्रू ओनली वंस एंड मेमोराइज एवरीथिंग। एक बार देखेंगे, याद रखेंगे। बच्चों रेडी? ठीक है सर। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूँ टेलीफोन, टीवी, कार, हाँ बोलिए, नेकलेस, कैमरा, कैमरा, नीरज, हाँ जी, न्यूज पेपर, हाँ जी, लाइव वीनस, ये अपने संस्था का नाम बताया सर, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बोर्ड लिख दीजिए सर। नाइन, रेडियो, टेन, मिर्ची, टेन सर, टेन, टेन, लास्ट टेलीफोन, आप भी ट्राई कीजिए, सेकंड टीवी, थर्ड है कार, फोर नेकलेस, फाइव कैमरा। ऑर्डर पूछ सकते हैं, दे हैव गॉन थ्रू द लिस्ट ओनली वंस, टिल देन आई हैव बिलीव दे हैव मेमोराइज। ओके, पूछे कुछ? अच्छा, मुझे बोला था नंबर फोर, नंबर फोर, वेरी गुड, एक बच्चा, ठीक है, कोई एक काम कर ले, वेरी गुड, हाँ, कुछ है सर, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, न्यूज़पेपर, वेरी गुड, नाइन, नंबर नाइन, रेडियो, नंबर थ्री, सर वो बच्चा पीछे से बता रहा है, क्लोज वन, आराम से, वन हुआ, तुम आराम से, टू हुआ, मनी मन, थ्री, फोर, फाइव, सेवन, एट, नाइन, टेन, हाँ ठीक है, मैं वन वन टू ऐसे पूछ सकते हैं। बेटा बेटा, पहले आपका नाम? इज़ा अंसारी। कहाँ पढ़ते हो आप? स्कूल। दो फ्रेंड्स का नाम बता दो आप पहले अपने। आरुषि अकांक्षा। ओके, अब हम पीछे अपने आप बोर्ड पे आएंगे। सेवन, सेवन, लाइट, वी, कार, फोर, नेकलेस, सिक्स, न्यूज़पेपर, फाइव, कैमरा, वन, टेन, टेन बोलो, मोबाइल, वन, टेलीफोन, एबी मल्लिक, अटल बिहारी मल्लिक। सर किस तरीके का प्रेस कर रहे हैं? अच्छा, एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट द सुपर मेमोरी पावर ऑफ एनी चाइल्ड। अभी तक हम सोच रहे हैं क्या ना, ये बच्चे का मेमोरी नहीं है, सारे फैमिली में प्रॉब्लम है, यही सोचकर ना अभी ये बच्चा क्या करेगा। मगर अभी कभी भी हम अभी सोच, अभी क्वेश्चन नहीं पूछें, यदि मेमोरी नहीं है वो डोरेमन को कैसे याद रखा, वो छोटा भीम को कैसे याद रखा है, यदि छोटा भीम को याद रखे मतलब हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन याद रख पाएगा, सिविक्स का याद रख पाएगा, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री याद रख पाएगा। मगर प्रॉब्लम है, जैसे अभी सिस्टम चल रहा है, कोई भी रेलवे इंजन को हम यदि नेशनल हाईवे में छोड़ देंगे वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि रेलवे इंजन उसका भी, रेलवे इंजन के लिए ट्रैक चाहिए और बस के लिए अभी उसका नेशनल हाईवे चाहिए सर। मगर अभी हमें पता नहीं ना कौन सा सिस्टम है, कौन सा मेथड में डालने से कोई भी चीज़ फटाफट याद रहेगा, हमें पता नहीं। अभी यहाँ ट्रेनिंग होने, अभी ट्रेनिंग अभी शुरू हो चुका है, जिससे कोई भी बच्चा जिसको हम बोलते हैं ना ये दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा, उसका मेमोरी बहुत कम है, उसका मेमोरी बढ़ा पाएगा। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपना रिजल्ट दिखा चुके हैं, समबडी हैज मेमोराइज द होल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, समबडी हैज मेमोराइज द 1-2,000 टेबल विद इन सम आवर। तो इसका एक ही टारगेट है, बच्चों का ब्रेन पावर, मेमोरी पावर को कैसे डबल करना है, उसका एक ही टारगेट। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप बौद्धिक विकास करें? तो अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारा विजुअलाइज सिस्टम, द न्यूरॉन फ्रॉम आवर आई टू ब्रेन इज अबाउट 20 टाइम्स मच मोर पावरफुल देन द न्यूरॉन फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। अभी हमारा सिस्टम में क्या करते हैं, जो बोलते हैं अरे ये कुछ नहीं होता, रट, अभी रट मतलब हम अभी ऑडिटरी सिस्टम याद रख यूज़ करते हैं। सपोज किसको याद रखना है, एंटागोनिज्म अपोजिशन, वो क्या करता है, एंटागोनिज्म अपोजिशन प्रोसेस होता है, यहाँ से होता है। मगर जो छोटा भीम देखता है अभी नहीं होता है, छोटा भीम ये बोला, छोटा भीम ये बोला, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो अभी ये सिस्टम का पावर हमारे में नहीं है, ये सिस्टम एक काव का है,
तो अभी जब साउंड जहाँ जिस डिस्टेंस में आता है वो कान मोड़ लेता है, हम मोड़ नहीं पाएंगे, हमारा ये पावर है, मगर हमें पता नहीं इसको हम यूज़ करेंगे हिस्ट्री में कैसे, सिविक्स में कैसे, बायोलॉजी में कैसे, तो यही सिस्टम है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। सर हमें ये बताइए कि ये जो माइंड का पावर आप जो बता रहे बच्चों को याद रहेगा, ये क्या कोई योगा है? ये है मेथोलॉजी, दिस इज सिंपली मेथोलॉजी सर। ये कौन सिखाएगा, कैसे बच्चों को ये सारा? इधर है सर, इधर स्पेशली एक ट्रेनर है, हमारा ट्रेनर है जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, मेरा एग्जैक्ट वहाँ ही रिसर्च था ना, हाउ टू डबल ह्यूमन मेमोरी, इसमें ही मेरा पीएचडी था। तो अभी ये मेथोलॉजी है, एक मेथोलॉजी को हमें अभी चेंज करना है। मैं अभी सब कोई लुंडा में जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, वो जाकर कितना 40 किलोमीटर जाएगा, यदि वो थोड़ा गाड़ी चेंज कर लेगा स्पीड बाइक 80 किलोमीटर जाएगा। तो अभी इसमें एक सिस्टम को हम चेंज करा रहे हैं और कुछ नहीं, एक बार सिस्टम चेंज हो गया तो उनका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, रिटेंशन लंबा समय तक रहेगा सर। ये बच्चों का कोई एज लिमिट होगा इस एज से किस एज तक के लिए है? बच्चे हैं यूकेजी से लेकर जो आईएएस प्रिपरेशन होते हैं सब ये ले सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है सर। तो अभी ये क्या मतलब आप जो ये सिखाएंगे वो यहाँ इंडिया के हैं या इंडिया से? नहीं इंडिया के हैं सर, इंडिया के हैं, वो वाराणसी से ही हैं, वही सिखाएंगे जो ट्रेनिंग किसी ऐप के थ्रू आप लोग लॉन्च कर रहे हैं आप ऐसे कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रेनिंग से। कितना टाइम लगेगा बच्चों को, एक बच्चे को शिक्षा अगर? मैं सिंपली ये चीज़ बोलूँगा, कल से ट्रेनिंग हो रहा था सर, बच्चे जो 15 तक टेबल उनको याद नहीं था ठीक से, आज जो 1000 तक अभी कर चुके हैं सर, और क्या बोलूँ बोलिए। एक बच्चों पे अगर ट्रेनिंग देने पे कितना टाइम लगता है? कितना टाइम अभी एग्जैक्टली उसका आवर होता है सर, जैसे होता है सपोज कंटिन्यूस तो वीकली 2 दिन आएंगे तो महीने 6 महीना लगता है सर, राइट। तो अभी स्कूल में स्कूल के साथ ही अटैच है, स्कूल के पीरियड होगा जिस पीरियड में वो लोग ट्रेनिंग लेंगे। आप कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं? अगर इंस्टीट्यूट चार्जेस क्या है? नहीं इंस्टीट्यूट नहीं सर, अभी स्कूल में ही होगा, ही स्कूल में ही होगा। ज़्यादातर बच्चे कैसे जुड़ेंगे आपसे जो आप तक पहुँचे और इन चीज़ों को जाने? अच्छा तो अभी देखिए इसके लिए हमारे ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे कुछ नहीं है, अभी हम मेनली जो रिजल्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट है, हमारा फर्स्ट टारगेट है रिजल्ट सर। जैसे मैं जैसे बोला हूँ कल शुरू हुआ था, अब जी आप आज देखेंगे आज ही बच्चे रेडी हो गए 1-2000 टेबल। जो मैं सोचता हूँ जो वाराणसी में जो अभी कॉम्पिटेटिव के लिए लगा हुआ जो बच्चा है ना उसको पूछेंगे, अच्छा मुझे बोला 36 नहीं था उसके लिए डिफिकल्ट होगा, मगर बच्चे अभी स्कूल से हैं जो स्टैंडर्ड 6 के बच्चे हैं उनको पूछेंगे अच्छा 938 नहीं जाए, दे विल टेल यू लाइक दिस सर। एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीधे यहाँ से प्रेस के माध्यम से, अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरीके का ध्यान रखें बच्चों की? मैं जरूर बोलूँ, अभी तक आपके माइंड लिमिटेड बिलीफ है ना, मेरा बच्चा यहाँ तक ही जाएगा अधिक नहीं जा पाएगा, वो रॉन्ग बिलीफ है। आपके पास प्रोसेस नहीं है इसलिए आप बोल रहे हैं, मगर मैं बोलूँगा सर को आप धन्यवाद दीजिए, वाराणसी के लिए अभी कुछ करना चाहते हैं, वो एक ही चीज़ अभी करना चाहते हैं, मेथोडोलॉजी को चेंज करना चाहते हैं।